दोस्तों, मेरा जो तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही फाइनल हो चुका है, ये बिल्कुल ही टाइट हो गया। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 पे पल्सर 220 का वाइजर ग्लास इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं, और ये मैंने कैसे इंस्टॉल किया है, किस तरीके से इंस्टॉल किया है, ये मैं आज आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, और सिर्फ बताने वाला नहीं हूं, मैं आप लोगों को पूरा सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई नोटिफिकेशन की वीडियो जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देखें। तो दोस्तों, ये मैंने दो प्लास्टिक के टुकड़े ले लिए हैं जो पल्सर 220 के ग्लास वाइजर के साइड के हिसाब से कट किए हुए हैं, और इस पर मैंने प्लास्टिक की विनाइल टेप इस पर रैप कर ली है, और तीन सुराख कर दिए हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पे विनाइल रैप करने के बाद अब मैं इस पे लगाऊंगा स्टिकर, फेयरिंग स्टिकर, उसका पैटर्न मैंने ये काट के रख लिया है। ओके, मैं इस तरह का पैटर्न कुछ इस पे पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, और देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा आउट है, वो वाइजर पे जाएगा। ओके, तो इसका भी स्टिकर मैं अब कट करके मैंने ये पैटर्न बना लिया है, और इस पर मैं ब्लू कलर का ये स्टिकर लगाने वाला हूँ। ये देखिए, मैं इस विनाइल का यूज़ करूँगा, और मैंने इस पे इस पैटर्न की ड्राइंग बना ली है। अब मैं इसे कट कर लेता हूँ। स्टिकर मैंने कट कर लिया, इसी तरीके से मैं दूसरा स्टिकर भी कट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पेयर्स कट कर लिए हैं। ओके, चलिए अब मैं इस पे भी विनाइल लगा लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो लगा के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फाइनली दोस्तों, मैंने इसको भी रैप कर लिया है। ओके, चलिए अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको इसके साथ में अटैच कर देते हैं इस तरीके से। ओके, फाइनली हमारा वाइजर ग्लास बनके तैयार हो चुका है। अब बस मैं इसे इस पर स्टिकर चिपकाऊंगा जो मैंने आपको दिखाया था, ये रहा और ये। ओके, तो इसका शो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए इसको भी चिपका लेते हैं। दोस्तों, फाइनली हमारा ये वाइजर बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से इसका लुक बना है। अब मैं आप लोगों को पल्सर का लोगो और अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट का स्टिकर बना के दिखाऊंगा, और वो मैं इस पर लगाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको पहले रख देता हूँ साइड में और शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने नाम का अल्फाबेट। दोस्तों, ये तो हो गया मेरे नाम का पहला अक्षर का अल्फाबेट। अब मैं बना लेता हूँ पल्सर का लोगो। ओके,
फाइनली देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने ये पल्सर का लोगो नेम भी बना लिया है और अपने वर्ड का पहला अक्षर भी बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनकी कटिंग कर लूंगा और उसके बाद मैं इनके स्टिकर्स काट लूंगा। ओके चलिए। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये मेरा एस का सिंबल तो निकल चुका है, आप इस साइड से भी देख सकते हैं। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना स्टिकर कट कर लूँगा। ओके चलिए, अब मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। ओके दोस्तों, ये एस अल्फाबेट बनाने के बाद और ये पल्सर का लोगो बनाने के बाद अब एक स्टिकर कट कर लूँगा इस ब्लू विनाइल पे, जिसका मैंने अपने वाइजर पे स्टिकर बनाया था। ओके तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको हमें दोस्तों सीधा नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम सीधा बनाएंगे तो ये इस साइड से हमें बनेगा, ये उल्टा बन जाएगा, इसलिए इसे हमें पलट के बनाना पड़ेगा। ओके, ताकि जो एस बने वो हमारा सीधा बने। ओके, उसी हिसाब से, उसी तरीके से हमें इसे भी इस तरीके से रख के बनाना पड़ेगा। ओके तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एस का तैयार हो गया। अब उसी तरीके से मैं ये पल्सर का लोगो भी इस पर डिजाइन कर लेता हूँ। ओके तो दोस्तों, फाइनली उसी तरीके से मैंने इस पर पल्सर का लोगो भी ड्रॉ कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसकी कटिंग करके इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, और फिर इसको मैं अपने वाइजर पर पेस्ट करूंगा। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये अपना एस का अल्फाबेट और पल्सर का लोगो दोनों बना लिए हैं और कटिंग करके निकाल भी लिए हैं। अब मैं इसे अपने इस वाइजर पर पेस्ट करने वाला हूँ। ओके चलिए मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैं चिपकाने वाला हूँ अपने इस वाले स्टिकर को। तो फाइनली दोस्तों, ये मेरा वाइजर बनके तैयार हो चुका है, अब बस इसको इंस्टॉल करना बाकी है। ओके तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये देखिए, एक दो तीन और एक चार, ये कुछ इस तरह से मैंने हुक बनाया है। इन्हीं की हेल्प से मैं अपने वाइजर पर इसको सेट करने वाला हूँ, इंस्टॉल करने वाला हूँ। ओके चलिए मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वाइजर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें अपने चारों पेंच खोलने। ओके तो चलिए खोल लेते हैं। एक पेंच हम लगा के रखते हैं अपने। पीला का पेंच लगा दिया हमने, पेंच लगाने का। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को।
तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।